तो भाई साहब देखिए, ऐसा है अभी जो हाल चल रहा है कि दुनिया में हर जगह कोरोना वायरस का संकट है, लेकिन अब एक बात बताओ क्या कोशिश की जाए। तो भाई गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ आप कभी भी ऑडियो सुन रहे होंगे तो उस हिसाब से बोल रहा हूँ। मेरा नाम गगन है, रेस्टोरेंट अकेडमी से हूँ मैं। अच्छा एक बात तो बिल्कुल मानते हो ना, खाना और सेक्स दो ऐसी चीजें हैं जो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं हो सकती, लेकिन हर कोई ना अभी कुछ इनोवेटिव करने से, नया करने से रुका हुआ है, डरा हुआ है। लेकिन हमेशा याद रखें, रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है। बिस्किट लेने के लिए आपको इसे जोखिम में डालना पड़ेगा। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और एयरबीएनबी की कहानी याद है? वो सभी 2008 की मंदी के दौरान आए थे। इस ऑडियो में मैं एक ट्विस्ट के साथ समझाऊंगा कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में अगली बड़ी चीज घोस्ट किचन होगी। घोस्ट किचन क्यों? बाजार की स्थिति। तो अभी खोलने के लिए हमारे विशेष सुझाव क्या है वो आपको बताता हूं। हाइजीनिक, छोटा मेन्यू कार्ड, पुश मेंबरशिप, खाने का ऑर्डर। तो इसे सेट कैसे करें? ऑर्डर लीजिए, ऑर्डर प्रोसेस कीजिए, स्टाफिंग, सप्लाई का माल, इंतजाम और प्रमोशन। तो भाई 2008 की मंदी की बात कर ले तो मैकडी सिर्फ बिजनेस में से इकलौता था जो भैया फायदे का सौदा कर रहा था। उन्होंने बल्कि 2006 और 2007 को मिलाकर ज्यादा मुनाफा कमाया। क्यों? खरीदने की क्षमता, स्टेबिलिटी और फास्ट डिलीवरी, ये चीज वो करते थे इसीलिए। तो भाई रेस्टोरेंट बिजनेस ने क्या किया, अपना कॉन्सेप्ट नहीं बदला, यही भूल करके इसीलिए ज्यादातर मंदी में चले गए। बहुत देर होने से पहले आपको सुधार करने की जरूरत है। उस समय में फूड ट्रक बिजनेस भी प्रसिद्ध हो गया था। अच्छा तो घोस्ट किचन की बात कर रहा था मैं। इस समय खोलने के लिए बिल्कुल सटीक व्यवसाय है ये। केवल खाना डिलीवर करने के लिए एक प्रोफेशनल खाना तैयार करना और खाना पकाने के एरिया का एक स्ट्रक्चर है। एक फोन या वेबसाइट या आपकी कंट्री में चल रही थर्ड पार्टी कंपनियों द्वारा रखी गई होम डिलीवरी के ऑर्डर पर ये डिपेंड करती है। जैसे कि लोगों के पास बैठने और खाने के लिए कोई जगह नहीं है। आसान भाषा में अगर कहें तो घोस्ट किचन की जो संरचना है वो इस तरह है। ऑर्डर ग्राहक से आता है, स्टाफ को सिस्टम पर ऑर्डर मिलता है, शेफ खाना पकाता है, शेफ खाना पैक करता है, फूड पैकेज गेस्ट को दिया जाता है, डन। तो इस कोरोना वायरस ब्रेकडाउन के समय बाजार में स्थिति जो है वो बहुत ही अपसेटिंग है, लेकिन इसने इस उद्योग में नए क्षेत्रों को विकसित करने की एक आशा की किरण को दिखाया। लोग इस संकट के बाद अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अभी एक्चुअली क्या होता जा रहा है, चार्ल्स डार्विन सिद्धांत और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में हम चलते जा रहे हैं, है ना? स्वास्थ्य की सावधानी। अच्छा पास्ट के अगर कंपैरिजन करें तो लोगों का जो हेल्थ है उसके बारे में लोग थोड़ा गंभीरता से सोचेंगे। ताजा खाना, विटामिन सी, जरूरी मिनरल से भरी हुई एक डाइट, बड़ी हुई कैपेसिटी के साथ हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स और मास्क का उपयोग, ये सब लोग अपने डेली रूटीन में लेने की कोशिश करेंगे। आपको लग रहा है ना आप ये सब करने वाले? बाजार में जाने से डर लगता है। अच्छा कुछ टाइम के लिए खाने के लोग आसानी से बाजार में बाहर नहीं निकलेंगे। इस टाइम के बीच में ये कॉन्सेप्ट बहुत फायदेमंद रहेगा। वो कोशिश करेंगे कि कुछ भी ना छुए। मेन्यू कार्ड को छूना एक बड़ा नो का साइन हो सकता है और जल्दी ऐसे रेस्टोरेंट खोलेंगे। अच्छा आप खुद ही सोचोगे भैया आपको मेन्यू कार्ड हजारों लोग छूते हैं, आप क्यों उसे छूओगे? एक मेन्यू कार्ड कितने लोग छूते हैं आपने सोचा कभी? कोई दूसरा ऑप्शन आ जाए, मोबाइल वाला गया, मोबाइल में मेन्यू कार्ड दिख जाए, वो ज्यादा सही रहा। अच्छा तो मैं क्या बोल रहा था, शायद आपको उनमें से कुछ ही लोग दिखाई देंगे और ग्राहकों के बीच थोड़ी सी जगह होगी। बजट, इसकी बात करते हैं। अधिकांश जो कंट्रीज हैं वो डिप्रेशन और मंदी की ओर जा रहे हैं। लोगों की खर्च करने की जो शक्ति है यहाँ एक नया मोड़ ले सकती है। आपको ये तय करने की जरूरत है कि भैया ज्यादातर लोग जो हैं उनके लिए खाना सस्ता हो। ये एग्जाम्पल जो है 2008 की मंदी के टाइम पे जो मैकडी का उदाहरण है उसी के समान है। फ्लाइट लाइट मॉडल आगे जाने का रास्ता है। भोजन का पहुंचना, हर कंट्री के फूड डिलीवर करने वाली कंपनियों के बीच एक बड़ी लड़ाई की उम्मीद की जा सकती है भैया। डिलीवरी कंपनियां रेस्टोरेंट को बहुत सारे ऑफर्स देती हैं। अपनी कंपनी के लिए कस्टमर बेस बनाने के लिए इस ऑफर का उपयोग करें। जी हाँ, बहुत फायदेमंद है। रेस्टोरेंट अकेडमी की टिप्स आपको देता हूँ। तो भाई इस कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण से बचना एक ही चीज आपको बचा सकता है, आपके घोस्ट किचन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा ये। यहाँ वो पॉइंट्स हैं जिन पर आप कोरोना वायरस की दुनिया में अपने बिजनेस को बनाए रखने पर एक बार विचार कर सकते हैं। साफ सफाई यानी कि स्वच्छता। अच्छा किसी भी बिजनेस या रिश्ते में विश्वास पैदा करना सबसे मुश्किल काम है। आप उन लोगों को कैसे सुनिश्चित करोगे कि भैया ये खाना जो है वो हाइजीनिक है,
और आपने सारी सावधानियां बरती उसको बनाने में, इसको पहुंचाने में, इसको पैक करने में। मैं बताता हूं आप क्या कर सकते हो। आप खाना जहां पर तैयार हो रहा है उस जगह पर कैमरा इंस्टॉल कर सकते हो, इसे किसी चैनल पर लाइव कर सकते हो, और जब वो काम कर रहे हो तो लोग आपके कर्मचारियों को देख सके, उन्हें सुपरवाइज कर सके, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, हाँ भाई हम यहाँ से बुक करेंगे तो यहाँ पर तो डेफिनेटली हमको पूरी साफ सफाई एतमाद और इंतखाद के साथ मिल सकता है, जिसे हम इत्मीनान से खा सकते हैं। आप और भी चीजें दिखा सकते हैं, जिसकी उन्होंने ग्लव्स पहने हुए हैं, वो सब जो कर्मचारी आपके काम कर रहे हैं, और जितने भी सुरक्षा कदम हैं जो जरूरत है वो सब कुछ कर रहे हैं। और अगर आपको एक्स्ट्रा सुरक्षा दिखानी है तो शेफ या डिलीवरी बॉय के शरीर का टेम्परेचर डालें इससे पहले कि वो खाने के जो बॉक्सेस हैं उनको शिफ्ट करना शुरू करें, ये बताने के लिए लोगों को, ये विश्वास जताने के लिए कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है। ग्लव्स लगाने से पहले शेफ को अपने हाथ धोते हुए दिखाएं और उन्हें एक डेफिनेट टाइम पर एक यूज के बाद चेंज करते हुए दिखाएं। छोटा मेन्यू कार्ड, अच्छा एक पते की बात बताता हूं, इस संकट में 5 से ज्यादा आइटम ना रखें, आपकी जो खाने की लागत है वो हर समय जांच में रहेगी। ये बल्कि ऑर्डर और कस्टमाइजेशन को आसान भी करता है। कस्टमर अगर किसी आइटम को, मतलब किसी स्पेशल डिश को स्वैप करना चाहता है तो आप आसानी से हर कस्टमर को सेवा और क्वालिटी लगातार प्रदान कर सकते हैं। इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट लेने में आपको मदद मिलेगी। आप वीकेंड के लिए स्पेशल आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने फॉलोअर्स के साथ जब बातचीत करें तो एक हफ्ते पहले एक चुनाव या फिर पोल कर सकते हैं, है ना, या आपकी कंपनी के लिए एक चर्चा का प्लेटफॉर्म बनाने में आपकी मदद करेगा। पुश मेंबरशिप, हर बिजनेस का अंतिम लक्ष्य एक समय के ग्राहक को स्थायी ग्राहकों में बदलना होना चाहिए, परमानेंट कस्टमर। आपको हमेशा थर्ड पार्टी ऐप बिजनेस के साथ शुरू करना चाहिए, लेकिन अपनी कंपनी के पैम्फलेट को खाने के डिब्बे में डाल दें और उन्हें एक ऐसा ऑफर दें जो कि वो बना ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उन्हें सीधे कॉल करते हैं तो आपको शुरू करने के लिए 10% की छूट देनी पड़ेगी। जब आप 10,000 सदस्यों तक पहुंच जाएं तो आप अपना खुद का ऐप बनाने के बारे में भी सोच सकते हैं। कैसा ख्याल है, है ना? हमेशा नेक्स्ट लेवल पर जाने से पहले कुछ निश्चित लक्ष्य रखें। ये बहुत सारे बिजनेसेस के लिए जो मेन गिरावट का विषय होता है ना, उसमें से एक है। एक अच्छा बिजनेस छोटा शुरू होता है और दूसरे रास्तों के बजाय फैलता है जब तक कि आपके पास एक बड़ी कंपनी ना हो। फूड ऑर्डर, अच्छा कुछ महीने पहले आप सोशल मीडिया पर खाने का ऑर्डर भी ले सकते हैं। ये कुछ सामान्य सोच से बाहर हो सकता है। लोगों को अपना फोन नंबर भी डालने के लिए कहें। खाने के जो ज्यादातर ऑर्डर होते हैं वो थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से भी किए जाएंगे। अपनी कंपनी को हर फूड डिलीवरी कंपनी के पोर्टल के साथ रजिस्टर करें और जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, उन्हें अपने रेगुलर सिस्टम में बदलने की कोशिश करें। आप एक काम कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल सामान प्रदान करके भी कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए? एक रेस्टोरेंट चलाने के कंपैरिजन में इसमें कम लागत वाले बिजनेस इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। ज्यादातर टाइम वन टाइम इन्वेस्टमेंट पर्याप्त होता है। इसके अलावा अगर आप कुछ नया करने की कोशिश करना चाहते हैं तो इसके प्रयोग की कम लागत है। उदाहरण के लिए, एक मालिक जो एक डिलीवरी किचन का मालिक है और एक साउथ इंडियन भोजन डिलीवर करता है, वो ये निर्णय लेता है कि उसे नॉर्थ इंडियन भोजन डिलीवरी करना शुरू करना चाहिए, तो आपको रेस्टोरेंट बिजनेस की जरा सब कुछ बदलने की जरूरत तो नहीं होगी, है ना? खाने का ऑर्डर लें, आपको किचन के लिए एक POS सिस्टम की जरूरत है। यह आपके ऑर्डर को पूरा करने का एक बिल्कुल आसान तरीका है। आप ऊपर बताए अनुसार फोन, सोशल मीडिया, इन सब के माध्यम से भी ऑर्डर ले सकते हैं। सिस्टम आपको एक विश्लेषण यानी कि एक एनालिटिक रिपोर्ट भी देता है। आप देख सकते हैं, परख सकते हैं कि लोग क्या ऑर्डर कर रहे हैं, कौन सा मेन्यू आइटम लोकप्रिय नहीं है, लोग ज्यादा इसे पसंद नहीं करते, किस टाइम और किस दिन लोग सबसे ज्यादा ऑर्डर करते हैं, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। सिस्टम यहां देखें, ऑर्डर प्रोसेस, अलग अलग ऑर्डर आने वाले हैं, आपको जांचने की जरूरत है और ऑर्डर की कोई खास डिमांड है या कस्टमाइज्ड है। आप एक इंसान सिर्फ इस काम के लिए रख सकते हैं कि आपकी कंपनी बस ये डेफिनेट कर ले कि ऑर्डर जो भी आपके किए गए वो सही तरीके से लिए गए, और लोग जानते हैं कि किस समय वे उनसे वापस उम्मीद कर सकते हैं। स्टाफिंग, अच्छा इसके लिए यहां पर आपको 2 अच्छे शेफ चाहिए। एक काम करिए, एवरेज स्टाफ को काम पर रख के अच्छे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मत कीजिए, क्योंकि भैया इस इंडस्ट्री में स्वाद यहां का राजा है। आपको किसी भी वेटर, रिसेप्शनिस्ट, बार टेंडर, इन सब की आवश्यकता नहीं है।
आप रेस्टोरेंट के कंपैरिजन में स्टाफ के खर्च पर बहुत पैसा बचाते हैं। अपने खुद के डिलीवरी बॉयज को तभी हायर करें जब आप मार्केट में अच्छी तरह से स्थापित हो जाएं। मेरी सलाह किसी भी मालिक के लिए पहले 3 महीने उनके साथ रहने की है। नए व्यवसाय के बारे में भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। सप्लाई और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये मेन्यू पर डिपेंड करता है कि आपको अपनी किचन के लिए कितनी सप्लाई की जरूरत है। खाने की लागत को मैनेज करने के लिए आपका शेफ अच्छा और समझदार होना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके सभी डिशेस के लिए एक स्टैंडर्ड खाने की रेसिपी बनाने की आप कोशिश कीजिए। मेन्यू इंजीनियरिंग ये पता लगाने में मदद करेगी आपको कि आपके मेन्यू में कौन सी चीजें हटा दी जाए या कौन सी निकाल दी जाए। आप मेरी वेबसाइट पर उन सभी को फ्री में सीख सकते हैं। इन्वेंट्री को POS सिस्टम द्वारा बैन किया जाता है और शेफ को इसकी देखभाल करने में सक्षम होना चाहिए। प्रमोशन, अच्छा रेस्टोरेंट बिजनेस के कंपैरिजन में क्लाउड बिजनेस का प्रचार, इसकी भी बहुत तरीके से जरूरत होती है। आप मेरी मार्केटिंग बुक से सीख सकते हैं, लिंक यहां देखें। स्क्रिप्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपकी इतनी अच्छी स्क्रिप्ट को मैं आवाज दे पाया, इसके बिना ये मुकम्मल नहीं हो पाता। अच्छा, आपसे अब मैं बात कर रहा हूं, आप अगर चाहें तो कृपया हमारी वेबसाइट और यूट्यूब का सपोर्ट करें। अभी हम फिलहाल स्पॉन्सर्स की तलाश कर रहे हैं। सुनते रहिए है।